हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने दिल की बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हर माँ बेस्ट होती है। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छी माँ है या बुरी माँ है, माँ शब्द ही बेस्ट है। जैसे अभी हम अपनी मदर के बारे में सोचें तो हमारे दिल से क्या निकलेगा, बेस्टेस्ट। क्योंकि एक माँ जो अपने बच्चे के लिए करती है वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम मदर्स खुद को और बेहतर बनाना चाहें तो सोने पर सुहागा। क्योंकि कोई लेडी खुद के लिए खुद में सुधार करना चाहे ना चाहे, अपने बच्चे के लिए खुद में सुधार जरूर करना चाहती है, दिल से करना चाहती है। तो अगर आप भी मेरी तरह खुद को डे बाय डे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम मदर्स अक्सर मन ही मन में अंदर ही अंदर खुद को परखते रहते हैं। कभी हमें लगता है कि मैं अच्छी मामा हूँ, कभी हमें लगता है कि मैं उतनी अच्छी मामा नहीं हूँ। तो कैसे पता चलेगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं? जैसा कि हमने बात की कि हर माँ बेस्ट होती है, लेकिन अगर हम अपने बारे में और जानना चाहते हैं, क्योंकि खुद के बारे में जानना सबको अच्छा लगता है, तो कैसे पता चलेगा कि हम कैसी मदर हैं? जैसे कोई लेडी अच्छी वाइफ है या नहीं ये कौन बताएगा? वो खुद भले ही कहती रहे कि मुझसे अच्छी नहीं मिलती तुम्हें, मेरी जगह कोई और होती ना तो रह ही नहीं पाती, लेकिन वो एक्चुअल में अच्छी वाइफ है या नहीं ये कौन बताएगा? उसका हस्बैंड। एक हस्बैंड अच्छा हस्बैंड है या नहीं उसका सर्टिफिकेट उसे कौन देगा? वाइफ। ऐसे ही हमें कौन बताएगा कि हम अच्छी मम्मा हैं या नहीं? हमारे बच्चे। लेकिन वो इतने छोटे हैं कि वो इस तरह से नहीं बता पाएंगे, उनसे हमें किसी और तरह से पूछना होगा। हमें सिंपली क्या करना है, जब हम बच्चों के साथ सोने जाते हैं तो हम उनसे बातें करते हैं, उन्हें स्टोरी सुनाते हैं, तो उस टाइम बच्चे का मन शांत होता है क्योंकि किसी और तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तो उस टाइम हमें बहुत प्यार से बच्चे से बोलना है कि बच्चा आप में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है और मैं भी आपको देख के इंस्पायर हूँ, तो मैं भी सुधार करना चाहती हूँ। तो आप ऐसा करो, मेरी कोई भी दो कमियां बताओ, आपके अकॉर्डिंग मम्मा की दो ऐसी बातें बताओ जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, फिर देखते हैं बच्चे क्या बताते हैं। मैंने दो इसलिए बोला क्योंकि एक कमी तो सारे बच्चे कॉमन बताएंगे कि मम्मा आप डांटते हो, फिर दूसरी वो क्या बताते हैं ये जाना इंटरेस्टिंग रहेगा। हो सकता है वो कुछ ऐसा बता दें जो हमने कभी सोचा भी ना हो, बट ये भी पॉसिबल है कि बच्चे उस टाइम ना बता पाए क्योंकि ऑब्वियसली छोटे हैं तो वो एकदम से इतना सोच पाए या नहीं। तो हमें उनको बोलना है कि कोई बात नहीं, आपको जब याद आए तब बता देना। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे बच्चे को कौन सी बात ज़्यादा फील होती है। वैसे तो हमें इतना क्लियरली पता नहीं लग पाता, बट ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चे के अंदर की बात जानने का कि हमारे कौन से नेचर की वजह से उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है। और मेन बात, बच्चा हमारी जो भी कमी हमें बताएगा हमें उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना है, वरना हमारी आदत होती है हर इंसान की खुद के नेचर को जस्टिफाई करने की कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि वो ऐसा करते हैं, मैं आपको इसलिए डांटती हूँ क्योंकि आप ये करते हो। जस्टिफाई नहीं करना है, वरना हमें ऐसा करते थे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। तो बच्चा जब भी हमें हमारी कमी बताए तो हम उसको बोल रहे हैं कि अच्छा थैंक यू बेटा, आपने तो मेरी बहुत हेल्प की, अब मैं इस बात में सुधार जरूर करूँगी। और सुधार करना भी है क्योंकि यही तो ज़िंदगी है, हमारी लाइफ का ग्राफ ऐसे जाना चाहिए ना कि ऐसे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी, इसमें आपको मजा आए ना, बच्चों को बड़ा मजा आने वाला है कि अब तक मम्मा हमारी कमी बताती थी, अब हम मम्मा की कमी बताएंगे। तो खुद को डे बाय डे और बेहतर बनाने के लिए ऐसे अलग अलग इंटरेस्टिंग तरीके अपनाते रहिए, खुद की ही केस स्टडी करते रहिए और अपनी बाहरी सुंदरता के साथ साथ अपनी आंतरिक सुंदरता को भी निखारते रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।